भारत। भारत एक ऐसा देश है जहां हर जाति और हर समुदाय के लोग मिलकर रहते, लेकिन कुछ सालों के पहले ये भारत ऐसा नहीं था। आजादी के बाद भारत में हर एक राज्यों को मिलाने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल ने बड़ा योगदान दिया। लेकिन ये सब होने के बाद भी भारत के लोगों में एक ऐसा जात भेद की बीमारी जिसको मिटाने में बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बड़ा योगदान दिया है, और उनके ही नक्शे कदम पर भारत का संविधान लिखा गया। और इस महान शख्स की आज जिंदगी में गुजरे हुए कुछ अनसुने घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश में बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ। इन्होंने दलित और बिछड़ी जातियों में सुधार लाने के लिए अपना पूरी जिंदगी दांव लगा दी। आजादी के बाद पहली बार इन्हें जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन आज भी पूरा भारत भीमराव अंबेडकर से वाकिफ नहीं है। खैर, बाबा साहेब अंबेडकर का पिता का नाम था रामजी मलोजी सतपाल और माता का नाम भीमाबाई था। भीमराव अंबेडकर अपने परिवार में सबसे छोटे और 14 भाई बहनों में सबसे आखिर संतान थे, और इनके पिता इंडियन आर्मी में सूबेदार थे, और इनका पोस्टिंग इंदौर के पास मोह में थी। 1894 में उनके पिताजी का रिटायरमेंट हुआ। रिटायरमेंट के बाद उनके पूरे परिवार महाराष्ट्र के सतारा में शिफ्ट हुआ, और कुछ ही दिन के बाद उनके माँ का देहांत हो गया और उनके पिताजी दूसरी शादी कर ली और बॉम्बे शिफ्ट हो गए। और इसके बाद अम्बेडकर की पढ़ाई बॉम्बे में हुई, और 15 साल की उम्र में ही 9 साल के रमाबाई के साथ उनकी शादी हो गई, और इसके बाद 1908 में उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की। खैर, अंबेडकर ने जात भेद और छुआछूत के बारे में बचपन से ही देखे थे, और वो भी कई बार जात भेद और छुआछूत का शिकार भी हुए थे, और वो हिंदू महार कास्ट के थे और उनको बहुत ही नीचा देखा जाता था, और उच्च कास्ट के लोग उनको चूना भी पाप समझते थे, और उनके कास्ट के लोगों को स्कूल में अंदर आने की भी अनुमति नहीं थी, और स्कूल का चपरासी उनको ऊपर से पानी दिया करता था, और जिस दिन चपरासी स्कूल नहीं आता था उस दिन उन लोगों को पानी भी नहीं मिलता था। और स्कूल की पढ़ाई के बाद अम्बेडकर को आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई की ऑब्स्टेनस्टोन कॉलेज में दाखिला मिली, और वो पढ़ाई में अच्छे और तेज दिमाग के थे, और उन्होंने सारे एग्जाम अच्छे से पास किए थे, और इस वजह से राजा सयाजी से हर महीने उनको 25 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती थी, और उन्होंने वो स्कॉलरशिप के पैसों को अपने आगे की पढ़ाई में लगाकर अपने ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने अमेरिका चले गए, और अमेरिका से लौटने के बाद उन्हें बड़ौदा के राजा ने उन्हें रक्षा मंत्री बना दिया। लेकिन यहां भी जात भेद की बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ा। खैर, गवर्नर के मदद से उनको बॉम्बे का सिंड्रोम कॉलेज में राजनीतिक अर्थशास्त्र का लेक्चर का काम मिला, और अंबेडकर आगे और भी पढ़ना चाहते थे, और इसलिए वो इंग्लैंड चले गए। और अंबेडकर की पत्नी रमाबाई के लंबी बीमारी के कारण 1935 में चल बसे, और 1940 में भारतीय संविधान का ड्राफ्ट पूरे करने के बाद और उन्हें बहुत सारे बीमारियों ने घेर लिया, और उन्हें रातों में नींद नहीं आती थी, और डायबिटीज ज्यादा हो गया था जिसके वजह से उन्हें इंसुलिन लेना पड़ता था, और आगे की इलाज के लिए वो बॉम्बे गए, और उनको डॉक्टर शारदा कबीर से मुलाकात हुई। उनको एक डॉक्टर के रूप में जीवन साथी मिल गई थी, और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी आखिरी सांस ली, और इस महान शख्स के कारण आज का भारत मिलकर रहता है, और इनके लिखे गए किताब से ही आज का RBI स्थापित किया गया। और मैं इसी तरह इस महान हस्ती के बारे में बताते बेटा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस वीडियो की सेकंड पार्ट के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय भीम।